दोस्तों आपका हमारे चैनल में, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगा अच्छे ही होंगे। और आज हम आ चुके हैं जयनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पे, जो अपना नया स्टेशन बना है। और पीछे अपने लगी है जयनगर से जनकपुर जाने वाली ट्रेन, जो जिसका उद्घाटन कल आपने पीएम मोदी के हाथों देखा है। और आइए चलते हैं, अपनी जर्नी शुरू करते हैं, क्योंकि अभी सुबह के हो रहे हैं 8, और ठीक अब से 15 मिनट बाद यानी 8:15 पे अपनी ट्रेन का पहला रन होने वाला है जयपुर से जनकपुर तक, कुर्था तक। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर और जर्नी आप देखते रहिए एंड टू एंड, क्योंकि जर्नी में बहुत मज़ा आएगा, लोगों का एक्साइटेड होगा और लोगों की बातें होगी और आपको अंदर का नज़ारा, इंटीरियर सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं और इसका किराया वगैरह सब बताएंगे। तो जर्नी देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ट्रेन का अपने राइट समय 8:15 पे प्रस्थान हो चुका है और सभी यात्री जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं जनकपुर धाम नेपाल के लिए, और पब्लिक यहाँ पे कितनी एक्साइटेड है दोस्तों, जय श्री राम के नारे लगा रही है। और दोस्तों देख सकते हैं पब्लिक पूरी लाइन से खड़ी है और एक्साइटेड है, कितनी नारे लगा रही है। ये दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर फैन लगा है जो चारों तरफ प्रोटेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे आपको हैंगर मिल जाएगा पकड़ने के लिए, अगर आप खड़े हैं तो पकड़ के स्टेबलाइजर हो सकते हैं। और यहाँ पे आपका सीट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा और कुशन भरा हुआ है। और ये खिड़की है, इसको यहाँ पे करके आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और सामने आपको गेट के पास LCD स्क्रीन मिल जाएगी, जो आपको स्टेशन और नेक्स्ट स्टेशन के बारे में बताएगी। ये रहा अपना टॉयलेट बाथरूम का नज़ारा आपको, चलिए अंदर दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं मिरर थोड़ा सा साफ नहीं किया गया है, फर्स्ट रन है इसीलिए इसको कोई नहीं सही है। और यहाँ पे टॉयलेट हाथ धोने के लिए दिया गया है। और ये रहा अपने, इसमें पानी तो आ ही नहीं रहा है, लगता है इसको बंद कर दिया गया है। हाँ पानी आ रहा है, सही है। और लाइटिंग दी गई है इसमें और काफ़ी स्पेस काफ़ी बड़ा दिया गया है इसमें बाथरूम टॉयलेट के लिए। और एक चीज़ इसमें गलत दिया गया है कि इसको वेस्टर्न शैली में बनाया गया है, इंडियन होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और आप देख सकते हैं काफ़ी साफ सुथरा और अच्छा बनाया गया है, बाकी और सब ठीक है और बढ़िया है। और यहाँ पे काफ़ी स्पेस दिया गया है सामान को रखने के लिए गेट के पास, जो आप अगर बड़ा सामान है और यहाँ पे आप रख सकते हैं ताकि आपकी कोई दिक्कत ना हो। और कुल मिला जिला के ट्रेन का इंटीरियर काफ़ी भव्य और अच्छा है। और ये अपना देख सकते हैं सामान रखने के लिए शोकेस दिया गया है, काफ़ी ठीक है सामान वामान रखने के लिए। और यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इस समय हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और आप अंदर का नज़ारा देख सकते हैं, इतना शानदार इंटीरियर बनाया गया है। है तो ये डेमो ट्रेन, लेकिन इसका अंदर का जो डिजाइनिंग किया गया है एकदम एसी से कम नहीं है। तो आइए चलते हैं, ट्रेन का व्यू आपको दिखाते हैं और लोगों की राय लेते हैं कि उनको इसमें यात्रा करके कैसा लग रहा है, क्योंकि आज इसका
फर्स्ट डे लोगों के लिए है, फर्स्ट रन है पब्लिक के लिए, क्योंकि जो कल अपनी ट्रेन चली थी वो केवल स्टाफ लोगों के लिए थी, आज इसका फर्स्ट रन पब्लिक के लिए है। तो आप देख सकते हैं पब्लिक के अंदर बैठी है और कितनी एक्साइटेड है। तो आइए चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी राय लेते हैं। हाँ, तो हम आ चुके हैं अपने लोगों के बीच में और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में बैठे हैं भाई और ये बता रहे हैं कि आपको फर्स्ट यात्रा करके इसमें कैसा लग रहा है, बताइए। बहुत सुकून मिल रहा, खुशी हुआ जो दोनों देश को जोड़ा, मिथिलांचल अपना जैसा जनकपुर हुआ, इंडिया हुआ। जैसे मोदी जी ने बहुत संघर्ष करने के बाद बहुत सालों तक ट्रेन को चालू किया, उसके बाद फिर अपना नेपाल का प्रधानमंत्री शेर बहादुर दौत और मोदी जी ने दोनों ने संघर्ष किया। उसके बाद जो अपना मतभेद था, मतलब जो गलत फहमी था उसको ने दूर किया, फिर इंडिया और नेपाल का ये ट्रेन चालू किया। धन्यवाद। तो इसी के साथ बोलिए जय भारत जय नेपाल। जय भारत जय नेपाल। हमारे साथ ये भैया थे, देखे आप कितना एक्साइटेड हैं और काफ़ी इनको अच्छा लगा इसमें यात्रा करके। हाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं टोटल 1.5 से 2 किलोमीटर चलने के बाद हम अपने नेपाल के फर्स्ट स्टेशन इनरवा स्टेशन पे आ चुके हैं और ये इनरवा स्टेशन पे देखिए अपनी लगी है ट्रेन जो जनकपुर से आ रही है और जयनगर को जा रही है। इनरवा स्टेशन पे लगी हुई है। तो दोस्तों ट्रेन अपने एकदम राइट समय से इनरवा स्टेशन पे आ चुकी है और पीछे देख सकते हैं इनरवा स्टेशन का नज़ारा और पीछे हमारी लगी हुई है एक और जो जनकपुर से जयनगर ट्रेन जा रही है, तो इसका नज़ारा देख सकते हैं। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं सत्या भैया जो पीछे खड़े हैं, इनका काफ़ी बड़ा यूट्यूब चैनल है रेल ज्ञान कोच से, तो ये अपने मिल चुके हैं और इनकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, तो आप एक बार जाइए और अवश्य विजिट करिए। ये भी दिख रहा है VS मोनू ब्लॉग करके, इनका भी चैनल काफ़ी बड़ा है और इनको भी जाके सपोर्ट करिए। हाँ, तो ये सत्या भैया हैं, संदीप भैया हैं, ये अपने मुगल सराय के हैं और इनका काफ़ी बड़ा चैनल है रेल ज्ञान कोच, तो आप लोग जाइए और इनके चैनल को एक बार जरूर विजिट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम इनके काफ़ी बड़े फैन हैं और इन लोगों को देख के हम अपनी चैनल शुरू किए हैं, तो आप इनसे हम इनसे पूछेंगे तो कि इनको कैसा के, हम भी बनारस के हैं, इसलिए आज यहाँ मिल गए हम लोग। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा, पहले एक्सपीरियंस कैसा आपके? काफ़ी अच्छा लगा और फर्स्ट टाइम पहली बार फर्स्ट टाइम नेपाल आ रहे हैं। अरे वाह, तो हम भी हमको बहुत अच्छा लगा है और ये यात्रा एकदम ऐतिहासिक होने वाला है। बिल्कुल। हमने सोचा था कि नेपाल चलेंगे लेकिन ट्रेन से चलेंगे, जब ट्रेन चलेगी तभी नेपाल चलेंगे। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी। इनरवा रेलवे स्टेशन का नज़ारा, सुबह का टाइम है और काफ़ी शांति और सुकून है और अपने सामने देख सकते हैं काफ़ी यूट्यूबर लोग खड़े हैं, संदीप भैया और मोनू भैया। स्पून शॉप पटना जर्नी भी थेके और ये हैं बैक पेपर गौरव। पीछे देख सकते हैं कुछ बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं, इनके लिए ट्रेन को एक बार रोक दिया गया है फिर से, और जब तक बच्चे ट्रेन में सवार नहीं होते तब तक ट्रेन नहीं चलेगी। तो गार्ड साहब ने ट्रेन को रोक दिया बच्चों को दौड़ते हुए और देख रहे हैं बच्चे सवार हो गए हैं, अब यहाँ से ट्रेन का अपने प्रस्थान होगा। और काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं, सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। हाँ, तो इनरवा रेलवे स्टेशन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे, तब तक आप जर्नी एंजॉय करिए। भाई
इंद्रपा रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अपनी ट्रेन का डिपार्चर। और ये हम इनरवा स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। बाय बाय इनरवा, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। लोग आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ट्रेन में अपने एक महाराज जी मिल गए हैं और ये जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सर? जनकपुर जा रहे हैं और इनको फर्स्ट जर्नी है। और आप देख सकते हैं कि इनको कितना अच्छा लग रहा है, तो इनसे पूछते हैं कि इनको फर्स्ट यात्रा करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को ट्रेन 8 बरस पहले आया था जनकपुर। अच्छा, 8 बरस पहले यहाँ से ट्रेन चलती थी जी। हाँ, तो उसमें छोटी लकड़ी का ट्रेन था। हाँ, तो उसमें हम लोग यात्रा करते थे। हाँ, तो उस समय 8 साल पहले तो यहाँ पे मीटर ग्रेज ट्रेन चलती थी, उसमें सभी लोग यात्रा करते थे। लेकिन इसको कन्वर्ट करके अब नैरो गेज कर दिया गया है और इसमें आप यात्रा कर रहे हैं, तो इसके बारे में और कुछ बताइए। हम लोगों का भारतीय रेल फ्री सेवा में हम लोग जाते हैं, तो इसमें भी हम लोग चाहेंगे कि जो हम लोगों को गरीब लोग है, साधु संत आदमी है, अच्छा, टिकट कहाँ से लाएंगे? हाँ, तो हम लोगों को संत को भगवान को तीर्थ करने के लिए फ्री सेवा दिया जाए। अच्छा, तो महाराज जी की मांग है कि संतों और सन्यासी लोगों को इस ट्रेन में भी जहाँ जैसे हर ट्रेन में सुविधा मिलती है फ्री यात्रा का, वैसे इनका डिमांड है कि इनको भी यहाँ पे फ्री में यात्रा पास दिया जाए। और आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास स्टेशन से टिकट लेके नहीं चढ़े ट्रेन में, तो यहाँ अंदर भी टिकट काट रहे हैं टीटी साहब, तो अंदर भी आपको सुविधा मिल जाएगी टिकट की। हेलो, खजरी पे ट्रेन अपनी अराइव हो रही है इस समय, देख सकते हो पब्लिक यहाँ पे नजर आ रही है। सामने देखिए नेपाली चौकी नजर आ रही है, अभी आपको नेपाल का झंडा नजर आ रहा है, सामने पब्लिक खड़ी हुई है। इस समय हम नेपाल में हैं, ये देखिए सामने पुलिस तो आपको चौकी नजर आ रही है नेपाल। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे नेपाल का सेकेंड स्टॉपेज खजुरी स्टेशन पे आ चुके हैं और यहाँ पे पब्लिक और बच्चों को देख सकते हैं कितनी उत्साहित है और कितनी एक्साइटेड है। और ट्रेन के आते ही यहाँ पे जय श्री राम हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। आप देख सकते हैं गजब नज़ारा है यहाँ का। देख सकते हैं लोगों का उत्साह यहाँ पे ट्रेन में चढ़ने के लिए, लोग कितने एक्साइटेड हैं और हर हर महादेव के नारे लग रहा है। जय श्री राम हर हर महादेव के नारों से स्टेशन गुजरा है। और ये रहे हमारे यूट्यूबर शिवम दुबे द ट्रेन बॉय। तो आप लोग देख सकते हैं खजुरी रेलवे स्टेशन का भव्य नज़ारा, लोगों का उत्साह और उमंग और भीड़ इतने जाते हैं कि CRPF और नेपाल फोर्स के जवान भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और लोग आराम से ट्रेन में चढ़ रहे हैं और यात्रा करने को उत्सुक हैं। तो ये है नेपाल रेलवे का भव्य नज़ारा। खजुरी रेलवे स्टेशन का शानदार नज़ारा, लोग ट्रेन में चढ़ते हुए। नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड के तरफ से यहाँ खजुरी स्टेशन पे सभी जगह का किराया दिया गया है, तो आप किराया सूची देख सकते हैं, अच्छे देख सकते हैं
अपना ट्रेन का जो उद्घाटन हुआ था उसका टिकट नए फाटफेंट भैया अंदर बोर्ड लगा हुआ है खजूरी रेलवे स्टेशन पे समुद्घाटन, इसमें नेपाली में कुछ लिखा हुआ है आप लोग समझ सकते हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जय श्री राम हर हर महादेव के नारों के साथ अपनी ट्रेन का प्रस्थान होने जा रहा है, तो चलते हैं ट्रेन के अंदर। साथ देख सकते हैं ट्रेवलिंग विद अक्की भाई साथ में है और चैनल को सपोर्ट, इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है यात्रा करके। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं अपने संत महाराज लोग हैं, पहली टाइम यात्रा करके जनकपुर जा रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा है यात्रा करके। और ये सामने से देख सकते हैं ट्रेन का नज़ारा, और लोग इसको पूरा घेर के खड़े हुए हैं देखने के लिए। और ट्रेन ने अपनी कितनी प्यारी हॉकिंग दे दी है, और यहाँ से यहाँ इसके निकलने का टाइमिंग हो गया है। और लोगों को देख सकते हैं, और खजूरी रेलवे स्टेशन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। और बच्चों को देख सकते हैं आप, बच्चे कितने एक्साइटेड हैं ट्रेन के आगे आगे दौड़ रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रेन के अंदर का शानदार नज़ारा, और ये ट्रेन खजूरी स्टेशन पे एकदम काफ़ी भर चुकी है। आप हमारे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, खजूरी रेलवे स्टेशन से ट्रेन एकदम फुल कर दिया गया है, मतलब लोग एकदम चकाचक पैक हो चुके हैं। तीसरे स्टॉपेज मैनातपुर आ चुके हैं, और मैनातपुर इस ट्रेन का छोटा सा स्टॉपेज है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे चढ़ने के लिए मारामारी मचा है। और ये रहा महिनात स्टेशन का बोर्ड, हमारे पीछे देख सकते हैं छोटा सा स्टेशन है, लेकिन काफ़ी बढ़िया है, अच्छा है यहाँ का नज़ारा व्यू देख सकते हैं आप हमारे पीछे, काफ़ी शानदार और भव्य नज़ारा। कोच की बात करें तो टोटल इसमें 5 कोच लगे हैं, 4 नॉन एसी है और 1 एसी कोच है, यानी 4 जनरल कोच हैं 1 एसी कोच है। और इस ट्रेन का किराया है जयनगर से जनकपुर तक 45 रुपये, और एसी का 250 रुपये, यानी अगर नेपाली रुपए में देखा जाए तो जयनगर से जनकपुर तक 70 रुपये और एसी का 350 रुपये। और आप सामने देख सकते हैं भारत नेपाल के सहयोग से चल रही है ये अपनी नेपाल रेलवे जयनगर टू जनकपुर धाम रेल सेवा। तो मैनातपुर से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज, तब तक आप जर्नी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एंजॉय करिए। और आप बच्चों को देख सकते हैं कितने एक्साइटेड हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप स्टेशन से टिकट नहीं ले पा रहे हैं तो यहाँ ट्रेन में भी टिकट की सुविधा है, आप यहाँ पे अंदर में टिकट बनवा सकते हैं। यहाँ अंदर में भी टिकट बन रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ हमको ये अच्छी लग रही है कि यहाँ पे टिकट काटने के लिए लेडीज़ क्लर्क को लगाया गया है, तो एक चीज़ नेपाल रेलवे की ये बात हमको अच्छी लगी। बस से हम लोग निकलता है 10:30 बजे, उधर से मतलब वापस कभी आए टाइम, वापस आने 10:30।
तो दोस्तों हम अपने चौथे स्टॉपेज वैदेही स्टेशन पे आ चुके हैं। यहाँ भी लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आज इसका फर्स्ट डे है, इसीलिए लोगों की काफ़ी भीड़ और इसको देखने के लिए उमंग उत्साह है। आप देख सकते हैं बच्चे कितने एक्साइटेड हैं वैदेही स्टेशन पे। वैदेही स्टेशन की बात करें तो माता सीता का एक नाम वैदेही भी था, इसीलिए इस जनकपुर रूट में पड़ने वाले इस स्टेशन को माता सीता का नाम वैदेही दिया गया है। और वैदेही स्टेशन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और यहाँ महिलाएं और बच्चों का उत्साह आप देख सकते हैं। जय माँ वैदेही। और जी आप थोड़ा नेपाल का भी नज़ारा ले लो जी। यहाँ पे मौसम कितना सुहावना हुआ है और ये तालाब पॉन्ड कितना बढ़िया लग रहा है। बात करें मौसम की, यहाँ तो मौसम हर पल यहाँ पे बदल रहा है, कभी धूप तो कभी मौसम साफ हो जा रहा है, कभी बदली हो जा रही है। तो जी ये है नेपाल का असली नज़ारा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको पहाड़ियों का सीन दिखाई देगा। और यहाँ से अपने ट्रेन ने दूसरी ट्रैक चेंज कर ली। वैसे तो एक ही ट्रेन ट्रैक है लेकिन यहाँ पे स्टेशन के लिए एक अलग ट्रैक बनाया गया था। और ये आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन शानदार कर्व लेते हुए। तो हम आ चुके हैं अपने पांचवें स्टॉपेज परवाहा स्टेशन पे और आप देख सकते हैं हमको लगता है इस रूट का ये सबसे छोटा स्टेशन परवाहा स्टेशन है। तो यहाँ पे ना पब्लिक है ना बच्चे हैं, यहाँ पे बिल्कुल इस स्टेशन पे सन्नाटा है और टिकट काटने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि हमको लगता है कि गांव देहात से काफ़ी दूर स्टेशन पड़ता है, इसीलिए इस स्टेशन पे कोई भी यात्री नहीं है, बस गिने चुने लोग हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज। लो जी ये तो देख लो नेपाल के नज़ारे। बुझाए हैं जनकपुर से ले सब को दे दे जनकपुर है अंडिया के पहले उतरा दे करे छोटा बा का जा जा डर लगे अंडिया छोर करे छोटा। लोगों को आप देख सकते हैं कितने एक्साइटेड हैं। नेपाल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन जनकपुर धाम पे आ चुके हैं और यहाँ पे लोगों का नज़ारा और उत्साह देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश है यहाँ के पब्लिक जनकपुर धाम के, क्योंकि आज इसका पहला जर्नी है, पहला रन है, तो लोग काफ़ी खुश हैं। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं जनकपुर धाम स्टेशन का नज़ारा। और दोस्तों को और दोस्तों आप देख सकते हैं जनकपुर स्टेशन का शानदार व्यू पॉइंट नज़ारा। लोग कितने उत्साह हैं, लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। और इधर भी देख सकते हैं आप लोग ट्रेन जनकपुर में पूरी खाली हो चुकी है और यहाँ लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है।
और स्टेशन को काफ़ी कितना बढ़िया सजाया गया है, आप देख सकते हैं नज़ारा। दोस्तों हम लोग हैं जनकपुर और जनकपुर टिकट काउंटर का ये नज़ारा आप देख सकते हैं हमारे पीछे पीछे लगा है अपना किराया सूची, और इस साइड में है आप देख सकते हैं टाइम टेबल, जनकपुर से जयनगर का टाइम टेबल है, इसमें कौन सी ट्रेन मतलब कब कब ट्रेन जाएगी ये दिखाया गया है, और यहाँ पे अपना किराया सूची है, तो यहाँ टिकट के लिए लाइन लगी है और किराया सूची आप देख सकते हैं, और आप यहाँ से किराया लेके मतलब टिकट लेके कहीं भी जा सकते हैं जयनगर तक। और यहाँ पे आप ट्रेन के अंदर का सीन देख सकते हैं, क्या सिस्टम लगा हुआ है अंदर गार्ड साहब के कैबिन में, यहाँ पे कई सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं। और जनकपुर से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज कुर्था पे। और दोस्तों इस समय हम हैं जनकपुर धाम स्टेशन पे, और हमारी ट्रेन रुकी हुई है आप देख सकते हैं पीछे, अब जनकपुर स्टेशन पे ट्रेन को रोक दिया गया है क्योंकि आगे पटरियों पे कुछ शरारती तत्व आग लगा दिए हैं, इसकी वजह से इस ट्रेन को रोका गया है यहाँ पे। और जनकपुर से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, और नेपाल रेलवे के अपने जवानों ने जाके ट्रैक को मतलब जो आग लगी थी उसको बुझाया और ट्रैक को खाली कराया, जब जाके अपनी ट्रेन जनकपुर धाम से डिपार्ट हुई। रेलवे स्टेशन पे और कुर्था रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी जगह का किराया लिखा गया है, हर जगह का यात्रा भाड़ा नेपाल में कुछ लिखा गया है नेपाली में, तो आइए देख सकते हैं हर जगह का किराया। जनकपुर का 20 रुपया, परवाहा का 20 रुपया, बैदेही का 40, मैनातपुर 55, खजूरी का 65 और इनरवा का 80 और जयनगर का 90 रुपया, नेपाली रुपीस में अपना चार्ज लिखा है। जयनगर जाना हो तो आपको हर जगह का यहाँ पे आगमन और प्रस्थान लिख दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जगह का टाइम टेबल है, और आप कहीं भी जा सकते हैं और ट्रेन को पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों हम अपने आखिरी स्टॉपेज कुर्था रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं, और ये अपने ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज भी है, तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुर्था के प्लेटफार्म नंबर 1 पे अपनी ट्रेन आई है, और टोटल 3 प्लेटफार्म का ये स्टेशन है, तो ये है नेपाल का आखिरी रेलवे स्टेशन, और यहाँ से ट्रेन अब रिटर्न होगी और वापस जयनगर को जाएगी।